let's start, students. New article. Aerial velocity is constant. Point to be noted, students. आप लोग एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, दिस इज कैपलर सेकेंड लॉ ऑल्सो, बिकॉज कैपलर्स लॉज, हम लोग कैपलर्स लॉज के हम ये अंदर ये मान के चलते हैं कि भाई द ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ इज ट्रू एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. तो सो वहाँ पे जब भी आप ग्रेविटी को वाला लॉज या न्यूटन्स लॉ सही मानेंगे तो आप लोग डायरेक्टली लिख देंगे एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर a central force, its aerial velocity is a constant. First of all, you must know what is aerial velocity. Aerial क्या है? जैसे आप लोगों ने कई बार, जैसे आप लोग किसी में रडार या इस तरह की चीज़ें देखते होंगे तो वो इस तरह की वो बनाता है, यूँ इस तरह की चीज़ें यूँ एक स्वैप सा करता है, स्वैप कोई भी उसके रडार या उस तरह से जो है. तो अब क्या है एरियल वेलोसिटी का मतलब? क्या है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन ए यूनिट टाइम, यानी कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से मान ली यहाँ था पहले और बाद में यहाँ पहुँच गया तो आप जो पॉइंट जिसे ओ कह रहे हैं सेंट्रल जिसे कह रहे हैं तो उससे दोनों को मिलाइएगा एंड व्हाट विल बी दिस एरिया. अगर आपने मान लिया एक घंटा लगा यहाँ से यहाँ जाने में तो और आपने ये एरिया डिस्क्राइब किया, या फिर आपने मान लेते हैं कि भाई एरिया डिस्क्राइब करने में 2 आवर्स लगाए हैं और ये एरिया मान लेते हैं 30 किलोमीटर स्क्वेयर है तो आपकी एरियल वेलोसिटी हो जाएगी 2 घंटे लगाए तो 2 से डिवाइड यानी 15 किलोमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड. तो यानी जैसे वैसे तो आपको एरियल वेलोसिटी जो हम लोग बोलते हैं वो लीनियर वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम किलोमीटर पर सेकेंड लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है लेंथ डिस्क्राइब होती है, इसके अंदर क्या है एरिया डिस्क्राइब. तो अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट का मीनिंग है कि भाई अगर आप सेम टाइम लेंगे तो आपका जो पार्टिकल है दैट विल डिस्क्राइब द सेम एरिया, यानी दैट विल कवर द सेम एरिया. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जैसे मान लिया ये यहाँ था आपका पार्टिकल पहले, ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको 2 मिनट लगे और ये एरिया डिस्क्राइब, तो अगले 2 मिनट बाद मान लिया इसने ये एरिया डिस्क्राइब किया तो ये एरिया और ये एरिया क्या मिलेंगे सेम. तो सो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मीनिंग है द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम्स इज इक्वल. तो हम लोग जो है इसको एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट प्रूव करेंगे, तो जरा देखिए विद द हेल्प ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पार्टिकल जो है इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, दिस इज योर सेंटर पो, दिस इज योर इनिशियल लाइन जिसके अबाउट आप एंगल मापेंगे, मान ले पार्टिकल अभी यहाँ है एंड दिस इज योर थीटा एंड दिस इज आर थीटा. नाउ सी स्टूडेंट्स, अब भाई क्योंकि हम एरिया वेलोसिटी मापने चाहते तो हम वैसे तो जो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इज एन इंस्टेंटेनियस, मतलब आपके एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, अगले पॉइंट पे कुछ और मिलेगी. तो हम मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ था पहले और थोड़ी देर बाद वो जो है यहाँ चला गया, क्यों उसे कहाँ पे चला गया पी पे, मैं इस पेपर साफ कर रहा हूँ पी पे चला गया. सपोज दिस एंगल इज थीटा प्लस डेल थीटा एंड दिस इज बी डेल थीटा एंड आफ्टर दिस विल बी आर प्लस डेल. अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ठीक है ये ऐसे चला गया, दिस इज क्यू दिस इज पी दिस इज पी दिस इज क्यू एंड दिस इज ओ. नाउ स्टूडेंट्स when time is very small, बहुत थोड़ा time के लिए हम करते हैं तो area of the triangle, area of the triangle O P Q will be equal to 1/2 area of triangle. What will be equal to this? This will be O P into O Q and sine of the angle between these two. That is delta. तो हम मान ले ये ट्रायंगल जो एरिया स्वेप्ट है ना जो ओ पी क्यू ऑफ दिस आर दिस योर एरिया स्वेप्ट दैट इज इक्वल टू दिस. तो जो ये इसका एरिया जो बनेगा वो ओ पी क्यू ट्रायंगल के लगभग बराबर बनेगा. तो जरा देखिए दिस इज आर प्लस डेल आर इस ट्रायंगल का एरिया, बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल. अगर हम इस एरिया का अगर एक बार एरिया निकालना चाहें या वैसे भी आप एक बार एरिया निकाल लीजिए यूं अगर मैं मिला तब यूं इसको यहाँ से
तो एक बार के लिए दिस विल बी योर एरिया एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस OP इज R, OQ इज R प्लस डेल R एंड दिस विल बी साइन डेल थीटा. ठीक है, व्हेन Q इज वेरी नियर टू P, व्हेन Q इज वेरी नियर टू P मींस टाइम इलेप्सिस इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत कम टाइम है, आपने मान लिया इसको मूव कराया तो इसलिए ये बिल्कुल पास में होगा, तो देन आर पी क्यू विल बी सेम एज, जो ये आर की जो लेंथ है दैट विल बी सेम एज पी क्यू के बराबर होगी. तो जरा देखिए, तो जो सेक्टोरियल एरिया है, वैसे तो सेक्टोरियल एरिया ये बनेगा, ये आर्क मिला के ये वाला, ये भी शामिल होगा, लेकिन जब ये बिल्कुल पास में जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो इस लेंथ में और इस लेंथ में बहुत अंतर है. अगर इसको और छोटा करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, यानी आर्क लेंथ एंड कॉर्ड लेंथ में कम डिफरेंस, काफी कम होगा. उसी तरह से और छोटा ले जाएं, बहुत छोटा, तो अगर आप इसको एंड कॉर्ड को मिलाओगे तो बोथ लेंथ विल बी सेम. तो सो आपका when P is very near to Q, तो so area swept is same as this. तो area आप area swept is same as area of triangle OPQ. ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 1/2. अब aerial velocity निकाल देते हैं. aerial velocity क्या? aerial velocity at P. एरियल वेलोसिटी एट पी, एरियल वेलोसिटी एट पी दैट विल बी इक्वल टू एरिया एरिया स्वेप्ट इन टाइम डेल्टी अपॉन डेल्टी टाइम लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो. तो सो वन डेल्टी tends to 0, what will be 1/2 r r plus del r sin del theta by del t. Okay, when theta is very small, याद रखिएगा theta is very small, क्योंकि sin जो होता है ना, sin का graph ऐसे चलता है, तो आप 0 के पास में होते हो तो आपकी sin की value भी 0 के पास में होती है. तो so when time is very small in theta will be very small and when theta is very small and del theta is very small then sin theta is same as del theta. So this will be this, right? And limit 1/2 bahar r del t 0 r square aur ye aa jayega del theta by del t limit del t tends to 0. So what will be the outcome 1/2 r square d theta d t. और जब आप पॉलर फॉर्म निकाल रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट वाज योर h, सो दिस विल बी h बाय 2 और h इज कांस्टेंट हियर, इट इंप्लाइज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द आर्किटेक्ट. अब आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो इसमें एक और फॉर्म भी निकाली हुई है, लेकिन वो जो इससे आगे जो मैं करा रहा हूँ अभी, वो इससे रिलेटेड नहीं है. रिलेटेड का मतलब है आर्टिकल में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर एग्जाम में करेंगे तो इसका कोई लेना देना नहीं है एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट प्रूव करने में. अब हम सिर्फ आर और इसमें योर रिलेशन निकालेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरियल एच एच और वी एरियल वेलोसिटी, और उसमें रिलेशन क्या होगा. तो जरा देखिए, मैं यहां से यूं गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होगा, what will be the area of this triangle 1/2. ये देखिए, मान लेते हैं डेल एस है, 1/2 डेल एस इनटू योर दिस इज योर पी पी. ठीक है जी, एरियल वेलोसिटी. अब मैं एरियल वो निकालना चाहूंगा एक तरीके से. अब एरियल वेलोसिटी निकालूं तो क्या होगा, डेल एस P by del t 1/2 limit del t tends to 0. P is outside, 2 is outside, del s by del t क्या होगा, your velocity v. So this will be PV by 2. PV by 2.
अब ये खुद किसके बराबर था, एरिया वेलोसिटी h by 2 के बराबर थी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो so v is equal to h by p, v is equal to h by p। अब अगर मैं एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल आपके पास है, इसका एरिया निकालना है तो हमें ये बेस पता होना चाहिए, जो कि मैंने इस ट्रायंगल में ये लिया है del s, और एक आपका यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, तो यानी ये जो आपका ये और ये बिल्कुल पास में चले जाएंगे, तो ये जो है आपका परपेंडिकुलर p का काम करेगा। तो सो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू h बाय p, v इज इक्वल टू h बाय p। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी, अगर आपकी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो मैं निकालना चाहता हूँ, तो v इज इक्वल टू h बाय p आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक वो लिखा था कि जो 1 बाय p स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 बाय r स्क्वायर प्लस 1 बाय r की 4 dr थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 बाय p स्क्वायर, h को इधर ले जाता हूं, तो v स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर, तो सो यहां से मैं v स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r स्क्वायर प्लस 1 बाय r की 4 dr थीटा का स्क्वायर, ये है, इसको इधर ले जाइए h स्क्वायर इनटू एंड दिस विल बी द फार्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। एरियल वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो v वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द एरियल वेलोसिटी, यानी द एरिया स्वेप्ड बाय द पार्टिकल, दैट वेलोसिटी इज दिस। तो सही, तो अब जरा देखिए व्हाट विल बी h स्क्वायर बाय दिस, ये बना आपका, तो इसको u में कन्वर्ट करना चाहो तो वही था, आप क्या करेंगे u इज इक्वल टू 1 बाय r और रखेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस du थीटा होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर फार्मूला। भाई आप वेलोसिटी का फार्मूला निकालना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। मेन आर्टिकल इसमें स्टूडेंट्स एरियल वेलोसिटी का था, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो जो है मैंने जो ये काम कराया है एक जो रिलेशन निकाला उससे पहले ही खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप लोग अगर एग्जाम में आता तो वहीं तक कर रहे हैं। थैंक यू।